मुझे प्यार नहीं मिलता है तो दिल टूट जाता है, क्या करूं, कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, बच्चों वाले सारे। सो दीज आर द थिंग्स मैं बहुत दिन से कहना चाहता हूं आपसे कि आप सपोर्ट करो जो क्वालिटी कंटेंट है। ये नहीं मुझे बोलने पे, आप खुद रियलाइज करो अपने दिल से कि कौन बंदा क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, उसको आप सपोर्ट करो। इंडिया में बहुत बड़ा ब्रोलॉजी चल रहा है जिसको देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ। लड़के आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मुझे साइकोनेट चाहिए। साइकोनेट चाहिए तो चाहिए, उनको ये नहीं पता है कि साइकोनेट भी टेस्टोस्टेरोन होता है, सस्टेरोन से टेस्टोस्टेरोन होता है। इनफैक्ट जो देसी गुरु है उनको खुद नहीं पता कि ये सारे टेस्टोस्टेरोन ही है। होता क्या है कि जो मेन हॉर्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और जो ऑयल होता है, जो एस्टर होता है, हॉर्मोन्स उन एस्टर में सस्पेंडेड होता है। एस्टर कभी भी हॉर्मोन का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो कभी चेंज नहीं करता है। यहाँ पे हॉर्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ही होता है, भले ही आप साइकोनेट यूज करो, एनन्थेट यूज करो, सस्टेरोन यूज करो। एक और बहुत बड़ा मिथ है जिसको सुनकर आप लोटपोट हो जाओगे। इंडिया में जो गुरु होते हैं वो कहते हैं कि सस्टेरोन यूज करो, सस्टेरोन का जो रिजल्ट है लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सस्टेरोन में एनन्थेट के साथ और प्रोपायनेट के साथ टेस्ट डेकानॉइड भी होता है, और डेकानॉइड का हाफ लाइफ काफी लंबा होता है। एंड आप साइकिल इनफैक्ट बंद कर चुके हो, स्टिल आपके सिस्टम से निकलने में ये एक दो मंथ लगता है। तो जो कोचेज है उन्होंने साइकिल बंद कर दिया है, लेकिन साइकिल बंद करने के बाद भी आपके सिस्टम से अभी निकला नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसका गेंस लंबे समय तक रहता है, क्योंकि आपने साइकिल बंद किया, लेकिन साइकिल से आपने निकला अभी, आपने अपने आपको निकाला नहीं है। तो ये सबको रिकमेंड करते हैं सस्टेरोन, लेकिन सबका गोल एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे बंदे चाहते हैं कि जो वो एनाबोलिक्स ले रहे जल्दी से उनके बॉडी में जाए, रिजल्ट दिखाए और बॉडी को जल्दी से रिलीज करते, क्योंकि हर किसी का गोल एक जैसा नहीं होता है। मे भी उनको अपने वाइफ को कंसीव करना होगा तो जल्दी निकल जाएगा, तो फिर पीसीटी करके वो जल्दी कंसीव कर पाएंगे। सो दीज थिंग्स आर देयर। जो डिफरेंट टेस्टोस्टेरोन होता है, जैसे कि साइकोनेट स्लो एक्टिंग होता है, हाफ लाइफ 7 दिन तक होता है, टेस्टोस्टेरोन का भी सेम होता है, और जो सस्टेरोन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन का ब्लेंड होता है। इसका ग्राफ ऊपर अचानक से हल्का नीचे, ऊपर हल्का नीचे चलते रहता है, और इसमें डेकानॉइड भी होता है, तो एक दो मंथ के बाद ये निकलता है। जो लंबे समय तक चला रहे हैं उनके लिए सस्टेरोन सही है, लेकिन जो चाहते हैं कि जल्दी साइकिल चलाकर खत्म करें वो शॉर्ट एस्टर यूज करते हैं, जैसे कि जस्ट प्रोपायनेट। और जो एक्वाविरोन होता है वो भी सोचते हैं ये लोग कुछ अलग चीज है, वो भी टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन उसका हाफ लाइफ 4 से 5 घंटे के लिए होता है। और एक्वाविरोन आप नॉर्मल टेस्ट बेस की तरह कभी भी यूज नहीं करते हो, ये आप पंप एजेंट के लिए यूज करते हो, लाइक स्टेज में चलने से पहले या सेक्स करने से पहले, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन इंस्टेंटली बढ़ जाए, फिर वो ड्रॉप हो जाता है 3-4 घंटे के बाद। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। एंड जो एस्टर है लाइक साइकोनेट, टेस्टोस्टेरोन, एनन्थेट, ये सिर्फ ये चीज को दर्शाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपके बॉडी में कितने दिन तक रहेगा, कब इसका पीक आएगा और कब ये आपके बॉडी को छोड़ देगा। तो ये चीजें डिटेक्ट किया जाता है एस्टर से, इसलिए इस तरह बनाया गया है। लेकिन जो लड़के हैं वो एक्चुअल में साइकोनेट को टेस्टोस्टेरोन नहीं समझते, कुछ अलग चीज समझ लेते थे, सस्टेरोन को सस्टेरोन नहीं समझते, अलग चीज समझते। लेकिन दीज आर द ट्रेड नेम्स, दे ऑल आर टेस्टोस्टेरोन। आपको अगर सस्टेरोन अच्छा है तो आप यूज करो, आपको साइकोनेट अच्छा लगता है तो साइकोनेट यूज करो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि टेस्ट साइकोनेट टेस्ट एनन्थेट से बेटर होता है, या सस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन प्रोपायनेट से बेटर होता है। कोई किसी से बेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारे टेस्टोस्टेरोन ही है। सो ये आपको जो अच्छा लगता है आप यूज करो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन दूसरे टेस्टोस्टेरोन से बेटर है, क्योंकि वो खुद सारे टेस्टोस्टेरोन ही है। हार्मोन का फंडामेंटल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होता है, एस्टर उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी को कभी चेंज नहीं कर सकता है। तो जो इंडिया के देसी गुरु हैं उनके बहकावे में बिल्कुल मत आना कि तगड़ा है,
ये ले लो, लंबे समय तक चलता है सस्टेरोन का गेन ये ले लो, आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे टेस्टोस्टेरोन ही है. द ओनली डिफरेंस इज द एस्टर्स इन विच द हार्मोन्स आर सस्पेंडेड. द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए हार्मोन कैन नेवर बी चेंज्ड, वेदर इट इज साइकोनेट, सस्टेरोन और एनन्थेट. टेस्टोस्टेरोन इज ऑलवेज टेस्टोस्टेरोन. सो आपको ये बात अपने ध्यान में रखना है हमेशा. सो मैं काफ़ी ज़्यादा एनॉयड हो गया था क्योंकि ये जो देसी ब्रोलॉजिक थिंग्स है इन देसी गुरुओं का, ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है. कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं विथआउट नोइंग द फैक्ट के एस्टर्स क्या होता है, हॉर्मोन्स क्या होता है. सो दीज थिंग्स बिना सोचे समझे आप कुछ भी यूज करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा. ये गुरु कुछ नहीं करेंगे, फिर आप बोलोगे ये हो गया वो हो गया. सो यूज डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टोस्टेरोन अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, कि आपके बॉडी में कितने दिन तक चाहिए, कितने दिन तक निकल जाना चाहिए और कितने दिन तक रहना चाहिए. द एस्टर्स आर फॉर दीज पर्पस ओनली. सो एक छोटा सा मिथ आपके सामने क्लियर किया. आप जो क्वालिटी कंटेंट है उसको आप लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और मैं फ्री में अपना हार्ड अर्न एजुकेशन आपको देता हूँ. तो बहुत दुख होता है आप जो क्वालिटी कंटेंट है उसको आगे बढ़कर सपोर्ट नहीं करते हो, भले ही दबाते हो मुझे, तो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेंड फील हो गया हूँ मैं. इसलिए वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बताता हूँ आपको जो 50 से 100 रुपये में केमिस्ट शॉप पर अवेलेबल है. मैं शो ऑफ के लिए कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि जो यंगस्टर है वो मेहनत करके आगे आए, ना कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं जुनून पैसे होना चाहिए, उसके बिना बॉडी नहीं बनेगा. पैसे सबके पास है यार, जुनून हार्ड वर्क. मेरे पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, स्टिल आई एम ग्रोइंग. सो दीज आर कमिंग फ्रॉम द मैडनेस, द मैडनेस फॉर द हार्ड वर्क, द मैडनेस फॉर रीचिंग आउट टू योर गोल्स नो मैटर व्हाट. सो आप लाइक करो, लाइक करने से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और ज़्यादा स्टडी करता हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर, जो सामान चलाता हूँ उसके ऊपर. मुझे एक मिलता है एक अंदर से मोटिवेशन कि आप तक मैं पहुँचाऊँ, अदरवाइज मुझे प्यार नहीं मिलता है तो दिल टूट जाता है, क्या करूँ, कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, बच्चे वाले सारे. सो दीज आर द थिंग्स मैं बहुत दिन से कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सपोर्ट करो जो क्वालिटी कंटेंट है. ये नहीं कि बोलने पे, आप खुद रियलाइज करो अपने दिल से कि कौन बंदा क्या बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, उसको आप सपोर्ट करो.